Hello students, in this video we will go through the classification of Indian banks. There are various types of banks in India and every bank is responsible to perform different functions under strict regulations of RBI. So we will start karte hain hum Reserve Bank of India se. Reserve Bank of India apex banking institution hai jise bankers ke bank kaha jata hai. ये देश में जितने भी बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डिफाइन करता है और उनके संबंध में गाइडलाइन इशू करता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द गवर्निंग बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सभी प्रकार के बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है. आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934. आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का और क्योंकि ये अपेक्स बैंक है तो यह बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहले देश के अंदर जो करेंसी है और कॉइन्स हैं उनको इशू करने का काम करता है और साथ ही साथ उन्हें रेगुलेट भी करता है. जैसे अभी मैंने बताया कि ये बैंकर्स के बैंक के रूप में काम करता है और ये परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि वो बैंक्स के अकाउंट को मेंटेन करता है, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो है उनको फैसिलिटेट करता है. गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में इसे जाना जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की ओर से कार्य करता है और उनके डेट मैनेजमेंट फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करता है. जहां तक फाइनेंशियल सुपरविजन की बात है, आरबीआई इंस्पेक्शन और सुपरविजन जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत में काम कर रहे हैं और कमर्शियल बैंक जो ऑपरेट हो रहे हैं उनके संबंध में इंस्पेक्शन और सुपरविजन कंडक्ट करने का कार्य आरबीआई का ही होता है. यदि हम रेगुलेटर और सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई जो है उन एंटिटीज को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेता है जो रिस्क पर होती हैं, ताकि उनके सर्वाइवल के लिए टाइमली एक्शन लिया जा सके. और मॉनेटरी पॉलिसी जो देश में इंप्लीमेंट की जा रही है वो आरबीआई के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, साथ साथ वो क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट की अवेलेबिलिटी जो है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है. अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स की. बैंक जो है उन्हें क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, वन इज शेड्यूल्ड बैंक एंड अनदर इज डेवलपमेंट बैंक्स. शेड्यूल्ड बैंक जो है उन्हें हम आगे कैटेगराइज करेंगे, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स. ये चार तरह के शेड्यूल्ड बैंक्स हैं. इसमें कमर्शियल बैंक की यदि हम बात करें उसे आगे फर्दर कैटेगराइज किया है हमने पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक्स में. कोऑपरेटिव बैंक जो है उन्हें दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक. शेड्यूल्ड बैंक के अंदर जो हमारे चार पार्ट्स थे वो हैं कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक. डेवलपमेंट बैंक की यदि बात करें तो छह तरह के डेवलपमेंट बैंक जो हैं वो इंडिया में हैं, जो हैं सिडबी, एक्सिम, नाबार्ड, एनएचबी, आईएफसीआई और आईडीबीआई. एक डायग्राम से जो है हम इस बैंक के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि आरबीआई के अंडर सभी बैंक्स काम कर रहे हैं. इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स. शेड्यूल्ड बैंक जो है उन्हें आगे कैटेगराइज किया है इनटू फोर पार्ट, दैट इज कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक. कमर्शियल बैंक को आगे कैटेगराइज किया है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक. और कोऑपरेटिव बैंक जो है आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक. यदि डेवलपमेंट बैंक जो है, जो कि मैंने पहले स्लाइड में बताया आपको कि क्षेत्र के डेवलपमेंट बैंक है जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. इस वीडियो के अंदर हम शेड्यूल्ड बैंक जो है उनको डिस्कस करेंगे और शेड्यूल्ड बैंक जो है उसमें कमर्शियल बैंक जो है उनको हम यहाँ पर डिटेल में
पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक जो हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, और इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करना। कमर्शियल बैंक जो है उनका एक हेड ऑफिस होता है और वो अपने कार्यों के लिए डिफरेंट स्टेट में अपनी ब्रांची जो है ओपन करते हैं, ताकि वह बहुत सारे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम हो सकें। ये जो बैंक हैं कमर्शियल बैंक्स, ये बहुत सारी सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर को, जैसे चेक इशू करना, डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू करना, लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बिजनेस लोन देना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड बॉन्ड की सेल एंड परचेज के रिगार्डिंग भी ये आपको फैसिलिटेट करते हैं। कमर्शियल बैंक को हम आगे फर्दर फोर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पब्लिक सेक्टर बैंक की। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं ये वो बैंक होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है। सभी फाइनेंशियल गाइडलाइन और पॉलिसी जो हैं इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वो गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम करके दी जाती हैं, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो ज्यादा रहता है। यदि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक जो है वो माना जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ऑफर करते हैं जनरल पब्लिक को सर्विसेज। यदि हम प्राइवेट सेक्टर से उसकी तुलना करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो कम रेट जो है इंटरेस्ट का चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। इसके साथ साथ वो पब्लिक को जो सर्व करते हैं, इसके साथ साथ बैंक जो है प्रॉफिट जो है उनको कमाने का कार्य भी करते हैं, यानी कि इनका बेसिक पर्पस जो है आम जन को सर्व करने के साथ साथ उसमें सही प्रॉफिट कमाना भी इनका उद्देश्य रहता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका एक लार्जर कस्टमर बेस रहता है, यानी कि इनके कस्टमर दूसरे बैंक से ज्यादा रहते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेटेड इन इंडिया। ये हमें दिया हुआ है लिस्ट इनकी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक की जो लाभों की यदि हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यह जनरल पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रदान करता है अपने डिपॉजिटर्स को, और जो उनको लोन दिया जाता है वो लोन लो इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। इन बैंक्स में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी जो है वो उनकी बनी रहती है, उनका विश्वास पब्लिक सेक्टर बैंक में रहता है, और जब वो अपनी सेवा से निवृत्त होते हैं तब भी उन्हें रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, जैसे कि पेंशन। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो बहुत सारे कस्टमर को सर्व करते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो कंट्री का रूरल एरिया है, जो अंडर प्रिविलेज्ड रहता है, जहां पर सभी बैंक नहीं पहुंच पाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक उन रूरल एरियाज को भी सर्व करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू वेरियस ब्रांचेस अपने जो पब्लिक है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है तो ये बैंक जो हैं वो आम जन के बीच में एक अच्छी गुडविल बनाने में सक्षम हो जाते हैं। लोगों का विश्वास पब्लिक सेक्टर बैंक में एज कंपेयर टू अदर बैंक जो है वो ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ ये बैंक जो हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, खासकर जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है जिसके अंदर एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म जो है उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी के
प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यदि हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ज्यादा ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पर ज्यादा और लोन पर ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के फायदे हैं वहां इनका नुकसान भी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो इन्हें लिबर्टी कम मिलती है, साथ ही साथ एक्सेसिव पेपर वर्क जो है करना पड़ता है जिससे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति जो कस्टमर जो है मार्केट के अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लेना चाहता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेपर वर्क में इन्वॉल्व होना पड़ता है तो उसे जो क्रेडिट फैसिलिटी है टाइमली नहीं मिल पाती है और वो जो अपॉर्चुनिटी उसके सामने आती है उसको वो खो देते हैं। इसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनके अंदर वो एटोनोमस नहीं होते, उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है तो ऐसे में उनकी जो इंडिपेंडेंस और एबिलिटी टू मेक देयर ओन डिसीजन जो है उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें इनकी कॉस्ट की तो पब्लिक सेक्टर बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा रहती है और इनके जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉइज हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं यदि हम उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक से तुलना करें, क्योंकि इनके पास लिमिटेड फंड होते हैं तो इन ये अपने क्लाइंट को कस्टमाइज सर्विसेज नहीं देते, ये लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक तो पहुंच पाते हैं, उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली उनको वो कस्टमाइज सर्विसेज देने में असमर्थ रहते हैं। साथ ही साथ इनके एम्प्लॉइज के अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं कि ये अपने क्लाइंट को ठीक ढंग से एंटरटेन नहीं करते, उनकी क्वेरी जो है उनको नहीं सुनते हैं और ना ही उनको रिड्रेस किया जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बहुत लेंथी और डिफिकल्ट प्रोसीजर अपनाते हैं यदि कोई व्यक्ति उनके पास लोन के लिए अप्रोच करता है तो ऐसे में वो लेंथी प्रोसीजर जो है खासकर वो लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो करने में असमर्थ रहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। अभी हमने किया था पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइन फ्रेम करती है उनके लिए और लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे बिल्कुल विपरीत है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि बैंक प्राइवेट फर्म के द्वारा ओन किए जाते हैं, यानी उनके स्वामी प्राइवेट इंडिविजुअल या फर्म हो सकते हैं और वो उनके द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। यदि प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। एट प्रेजेंट देयर आर 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनकी ये लिस्ट जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अब लाभों की हम चर्चा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है जैसे पहले हमने बात की कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अपने कस्टमर का उनका लार्ज डेटाबेस तो होता है लेकिन वो स्पेशलाइज सर्विसेज और कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो अपने कस्टमर को उनकी फाइनेंशियल नीड के अनुसार कस्टमाइज और स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यदि हम इनके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक इनका एफिशिएंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, इनके एम्प्लॉइज जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। साथ ही साथ क्विक फाइनेंशियल डिसीजन जो है बैंक प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसीजर से होकर नहीं निकलना पड़ता और प्राइवेट सेक्टर के बैंक के एम्प्लॉई जो हैं वो सारे प्रोसीजर को खुद ही तैयार करते हैं जिससे कि उनके कस्टमर जो हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो अपने कस्टमर को प्रॉम्प्ट सर्विसेज बहुत जल्दी से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके पास एफिशिएंट स्टाफ होता है। साथ ही साथ लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है इज वेरी सिंपल इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो जनरली मार्केट को देखते हुए सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी सर्विसेज को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते हैं जिस तरह से आपके चेंजिंग एनवायरनमेंट है या आपके ट्रेंड जो है वो चेंज होते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के, जहां पर लाभ है
वहीं पर प्राइवेट सेक्टर जो है उनके कुछ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये स्पेशलाइज सर्विसेज तो देते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन उसके लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यानी कि इनके हिडन चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक महंगे बैंक होते हैं। जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो इन बैंक को एक्सेस करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही लोकेट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो एम्प्लॉइज को किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं देते। इनकी जॉब सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो कितने एफिशिएंट हैं। कस्टमर जो हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना पैसा जमा कराते हुए डरते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में उनकी ज्यादा विश्वास रहता है और वो ये महसूस करते हैं कि उनका पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में मोर सिक्योर है एज कंपेयर टू दीज बैंक्स। तो वो इसमें पैसा जमा करवाते हुए हिचकिचाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो अपने लोन पर हाई रेट से जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो पब्लिक जो है उनको ये महंगा लोन पड़ता है। तो ये है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने किया है आरबीआई, आरबीआई के बाद हमने शेड्यूल्ड बैंक्स किए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक्स को ले रहे हैं, और कमर्शियल बैंक में हमने पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को समझा है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बाद हम देखेंगे इन दोनों बैंक्स का अंतर। अभी हमने डिटेल में जो पढ़ा है उससे यदि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को देखें, ये वो बैंक होते हैं जिसमें मैक्सिमम ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट का रहता है, यदि हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक इससे विपरीत, इनमें मेजोरिटी स्टेक जो है वो इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन के द्वारा लिया जाता है, यानी कि इनके अंदर जो शेयर होल्डिंग होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की रहती है। ओनरशिप जो है उसमें ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये ऑल आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर जो है आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। मैक्सिमम शेयर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जबकि मैक्सिमम शेयर आर हेल्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इंटरेस्ट रेट यदि सेविंग की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा होती है और प्राइवेट सेक्टर बैंक में इंटरेस्ट रेट मार्जिनली लो रहता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पब्लिक सेक्टर बैंक में कम होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कंपैरेटिवली हाई रहती है। कस्टमर बेस जो है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि लोगों का ज्यादा विश्वास रहता है तो उनका कस्टमर बेस इज लार्ज, और कस्टमर बेस जो है वो रिलेटिवली लो रहता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। जॉब सिक्योरिटी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में रहती है, उनके एम्प्लॉई जो हैं वो ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, जबकि आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी जो है वो इतनी नहीं रहती, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। प्रमोशन की जहां तक बात है, पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रमोशन जो है सीनियोरिटी बेसिस पर होती है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में प्रमोशन सारी की सारी परफॉर्मेंस बेस्ड रहती है। ये थे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब तीसरा बैंक जो है हमारा वो आता है शेड्यूल बैंक में, रीजनल रूरल बैंक। यहाँ पर अभी हम देखें तो ये लिस्ट हमारे पास है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 43 आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक हैं। अब ये रीजनल रूरल बैंक करते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? तो रीजनल रूरल बैंक जो हैं ये अपने मेंबर से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, और इनको अकाउंट जो दिया जा रहा है अपने मेंबर्स को ये ऑफर करते हैं करंट और सेविंग अकाउंट। करंट और सेविंग अकाउंट के साथ रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के को भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ये अकाउंट भी ऑफर किए जाते हैं इनके मेंबर को। साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक जो हैं जनरली स्मॉल फार्मर, क्राफ्टमैन, आर्टिसंस और मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस हैं या लोकल ट्रेडर्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड है उनको कैटर करते हैं, उन्हें उनके कार्यों के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। ये जो है साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज में भी को भी असिस्ट करते हैं, मनी ट्रांसफर का कार्य करते हैं, बिल की पेमेंट करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ
यूटिलिटी सर्विसेज जिस तरह से बाकी कमर्शियल बैंक्स जो हैं देते हैं, एटीएम की फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड इशू करना है, लोकर फैसिलिटी देनी है, ये सभी फैसिलिटी भी कस्टमर को रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की। फॉरेन बैंक्स जो हैं, नाम से पता चल रहा है, ये बैंक जो हैं वो बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर देश से बाहर किसी अन्य देश में स्थापित होता है, लेकिन इनकी ब्रांचेज जो हैं वो इंडिया में है। यानी कि ये जो बैंक्स हैं ये बहुत सारे देशों में अपना बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट पर यदि हम देखें तो इंडिया में 44 फॉरेन बैंक जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी स्लाइड पर आप देखेंगे ये लिस्ट जो है वो शो हो रही है। फॉरेन बैंक जो हैं वो किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है? देखिए, फॉरेन बैंक्स की हमने अभी बात की थी कि इनका हेडक्वार्टर एक देश में होता है, लेकिन वो बहुत सारी कंट्रीज में अपनी ब्रांचेज जो हैं वो खोलते हैं, और इससे क्या है कि वो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके कस्टमर जो हैं उनको सर्व करते हैं। तो एक तरह से फॉरेन बैंक जो हैं उनका एक्सेस ग्लोबल मार्केट में रहता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ब्रांचेस अलग-अलग देशों में रहती हैं। साथ ही साथ फॉरेन बैंक्स क्योंकि दूसरे देशों में अपने व्यवसाय को चला रहे हैं, तो उन्हें उन देशों में जहां पर उनकी ब्रांचेस हैं वहां पर, या सब्सिडरी हैं वहां पर, उन्हें उनके लॉ जो है उनको मानना पड़ता है। उन्हें जो है अपने देश के कानून तो मानने ही मानने हैं, लेकिन जहां पर उनकी ब्रांचेस हैं वहां पर भी वो उनके कानून जो है उनको मानते हैं। साथ ही साथ वो बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, अकाउंट्स ओपन करना, लोन और बोरोइंग जो हैं उनको ग्रांट करने का कार्य भी करते हैं। साथ ही साथ फॉरेन करेंसी प्रोविजन जो हैं उनको इजीली प्रोवाइड करते हैं ये बैंक्स। और ये बैंक जो हैं इनकी जो ट्रांजेक्शन होती है बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी होती है, और कस्टमर जो है इजीली उन सर्विसेज जो हैं या उन ट्रांजेक्शंस को करने में सक्षम हो पाते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शंस, और साथ ही साथ हमने शेड्यूल्ड बैंक जो है उसका फर्स्ट पार्ट कमर्शियल बैंक को डिटेल में समझा है। कमर्शियल बैंक को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड करके अलग-अलग बैंक जो है उनको डिटेल में स्टडी किया है, जिसमें आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। तो इस जो चैप्टर है इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। यदि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक्स, और डिफरेंट टाइप के कमर्शियल बैंक जो इंडिया में हैं उनको आप डिटेल में समझाइए। साथ ही साथ क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेम क्वेश्चन प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑल्सो डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, उनको डिटेल में डिस्कस करना जो है आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आ सकता है क्वेश्चन कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनमें क्या डिफरेंस है। यदि हम शॉर्ट जो हमारे आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें देखें तो हमारे पास आ सकता है कि फॉरेन बैंक्स की लिमिटेशंस बताइए, रीजनल रूरल बैंक की लिमिटेशन बताइए, साथ ही आरबीआई जो है उसके फोर फंक्शन के बारे में भी आ सकता है। तो ये था हमारा इस वीडियो में जो हमने कंटेंट पढ़े हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आई थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट लिसनिंग।